क्या है आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट थिंकिंग, राइट वाइज विजन के माध्यम से आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपके जो नकारात्मक सोच है, उसको हम सकारात्मक बदलते हैं। और ये सारा कार्य प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से होता है। हमारा उद्देश्य है ये कि आप एक अच्छे इंसान बने, ताकि कि आपका पारिवारिक जीवन और आपका जो है जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो सारा जीवन संतुलित हो, और कुल मिलाकर के आप एक अच्छे नागरिक बन सके और अपने जीवन को बहुत सही तरीके से सही दिशा के अंदर जीवन यापन कर सके। ये हमारा उद्देश्य है। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। जिसके केंद्र में आत्मा होती है वहाँ सब बात प्रमाणित होती है और सब बात उद्देश्य पूर्वक होती है। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है अज्ञान ज्ञान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमारे जीवन के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। हम चल रहे हैं, हमको चलने का ज्ञान नहीं है कि किस दिशा में जाना है या किस तरफ मुड़ना है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको पता नहीं है कि लेफ्ट साइड में चलानी चाहिए कि राइट साइड में चलानी चाहिए, हमारा मोड़ किधर से आता है, और दूसरा हमें कितने किलोमीटर जाता है। इन सब चीज़ का जो हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक तो सांसारिक ज्ञान होता है यानी बाह्य जगत का ज्ञान होता है, और एक भीतरी जगत का ज्ञान होता है। तो दोनों की धाराएं अलग अलग है। जो बाह्य जगत का ज्ञान है उससे हमारा सारा व्यवहार जगत चलता है। हम अपने परिवार के साथ में, अपने वर्किंग प्लेस के साथ के अंदर, लोगों के साथ, समाज के साथ जो है वो सारा बाह्य ज्ञान के माध्यम से, जो हम लौकिक जगत में जिसमें रहते हैं उसके ज्ञान से जो है हम कार्य करते हैं, और हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, और हमारा पूरा जीवन का यापन होता है। अब देखिए, ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है। ज्ञान ज्ञान के साथ में जब हमारा राग द्वेष मिल जाता है तब वो अज्ञान हो जाता है। शुद्ध रूप के अंदर ज्ञान रहता है, बाह्य जगत का हो चाहे जो भीतरी जगत का हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो भीतरी जगत के ज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा से जुड़ा विषय है उसकी बात करेंगे। तो देखिए कि हमारा अंतःकरण होता है, भीतरी जगत के अंदर अंतःकरण होता है। वो अंतःकरण किसका बना होता है? वो होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों मिलकर के अंतःकरण बनाते हैं। मन का कार्य होता है कि जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये इंद्रियां बाहरी जगत के अंदर जो कुछ भी हमारा व्यवहार जगत में काम चलता है उनके विषय लेते हैं। और इनके कुल जो पांच इंद्रियों के 23 विषय होते हैं, ये विषय लेकर के और मन को दे देती है। अब देख, मन उसकी पर योजना बनाता है। मन के 3 कार्य है, वर्तमान काल की योजना बनाना, और दूसरा क्या है कि भूतकाल की जो है स्मृति करना, भविष्य काल की कल्पना करना। स्मृति भी जरूरी है, स्मृति के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, और कल्पना भी जरूरी है, यानी हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को साथ लेकर ही अपने जीवन का संतुलन कर सकते हैं। हम इसका खंड खंड नहीं कर सकते, हम इनको अखंड के रूप के अंदर हमें जानना होता है। लेकिन रहना चाहिए वर्तमान में, अधिकतर समय हमारा प्राय सारा समय वर्तमान में जीना चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गया मन। मन का जो है वो 2 कार्य हो गए, उसके बाद में मन सारा चिंतन करके और जो इंद्रियों के द्वारा हमको विषय मिले हैं वो सारी योजना करके और अपने बॉस जो है बुद्धि को दे देता है।
बुद्धि दो तरह की होती है, सुबुद्धि होती है और कुबुद्धि होती है। सुबुद्धि होती है वो सही सही निर्णय लेती है, कुबुद्धि होती है वो गलत निर्णय ले लेती है, और बुद्धि है एक जज का, एक निर्णायक का काम करती है मन बुद्धि। और तीसरा चित्त, चित्त है हमारी आत्मा की शक्ति को चित्त कहते हैं। आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है, यानी इसकी जितनी शक्ति है, जिसकी एनर्जी है, वो शरीर के हर एक अवयव, हर एक कोशिका तक पहुंचती है, और वो कोशिका तक पहुंचने के कारण हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस बनाया जाता, कहा जाता है। और एक कोशिका को अगर वर्तमान नर की एक कोशिका को निकाल करके कल्चर मीडियम के माध्यम से प्रिजर्व करके मादा के गर्भ के अंदर उसको रख दिया जाता है, और उसको जलवायु, टेम्परेचर, आर्द्रता, जितना है गर्भ निर्माण के लिए वातावरण आवश्यकता होता है, वैसा एनवायरनमेंट के अंदर उस कोशिका को रखा जाता है। तो रखने के बाद में 9 महीने के बाद में उसका जो बच्चा तैयार होता है वो हूबहू क्लोन तैयार हो जाता है जिसकी कोशिका है। तो लेकिन यह कार्य जो है कि अनैतिक न हो, इस पर इसलिए रोक लगा दी गई है। 2-4-5 एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुए थे। तो ये चित्त जो है वो हमारी चेतना की शक्ति है, और चेतना की शक्ति से हाथ हिलता है, चेतना की शक्ति से मैं बोलता हूँ, चेतना की शक्ति से चिंतन करता हूँ। मनुष्य हर कार्य चेतना की शक्ति से करता है, और हमारे स्थूल शरीर पर जो चेतना की शक्ति काम करती है उसको हम चित्त कहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त, और उसके बाद देखिए ये सारा अपना अपना काम करते हैं, जो भी नॉर्मल रूप के अंदर चिंतन करते हैं। अब अहंकार, अहंकार एक शब्द है, इसको हम क्रोध, मान, माया, लोभी कह सकते हैं, इसको हम कषाय भी कह सकते हैं, और इसको हम राग द्वेष भी कहते हैं। ये बुराई है जब ये मिश्रण हो जाता है मन बुद्धि चित्त के साथ में अहंकार, तो हमारा जो ज्ञान, हमको सीधा सीधा ज्ञान मिल रहा है, वह अज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है। अहंकार हमारे को श्रद्धा नहीं करने देता, इतना जितना मन बुद्धि चित्त है वो तो अपना जिस रूप के अंदर बताया गया है उस रूप में कार्य करेगा, लेकिन अहंकार के आते ही राग द्वेष के साथ में मिक्सचर होने से ही जो हमारी सुबुद्धि होती है वो कुबुद्धि कह जाती है। इसलिए कषाय को रंगा हुआ कहते हैं, राग द्वेष रंगा हुआ है, ये अशुद्धि है, और ये हमें जो है भटकाता है 84 लाख जीवा योनि में, और ये सारी बुराइयों की जड़ है वो अहंकार होता है। अब देखिए कि इस अब ज्ञान और अज्ञान की हम बात करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप की अनुभूति करना, मैं कौन हूं। जब यह अनुभूति हो जाती है सही सही तरीके से, तो वास्तव में सच्चा ज्ञान होता है, वो आत्मज्ञान होता है। और जब तक ये अनुभूति नहीं होती है तब तक है हमारा अज्ञान रहता है। जिसको अपने स्वरूप की जो है जानकारी नहीं, जिसको अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, वो सारा अज्ञान कहलाता है। और अज्ञानी व्यक्ति होता है वह संसार में भटकता रहता है, और अज्ञान का कारण यह है कि राग द्वेष उसके अंदर जुड़ जाता है। और जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान कैसे मिलता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु को ढूंढना पड़ता है, ज्ञानी को ढूंढना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु ढूंढने के लिए जो है वो घूमते रहे, बहुत सी जगह घूमे, वो ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते थे, और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और एक समय ये आया कि रामकृष्ण परमहंस के पास में जो है स्वामी विवेकानंद आए, और एक दूसरे को प्रथम दृष्टवा देखते ही जो है रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि मुझे शिष्य मिल गया, और जो है उनकी जो स्वामी विवेकानंद की चेतना ने अनुभव किया कि मुझे गुरु मिल गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। स्वामी विवेकानंद के परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उनके बहुत भाई बहन थे, और अच्छी तरह से उनके जो है भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी आर्थिक दृष्टि कमज़ोर होने के कारण। तो उनके रामकृष्ण परमहंस गुरु ने कहा कि
मैं देवी का भक्त हूँ, उपासक हूँ देवी का, तुम काली माँ के जो मंदिर में जा कर के, और तुम उससे जो अर्थ उसके लिए धन की प्राप्ति, ताकि कि तुम्हारा सांसारिक जीवन, तुम्हारा परिवार का व्यवहार जीवन जो है अच्छा बने। तो गुरु की आज्ञा से वो देवी के सामने गए और स्वामी विवेकानंद ने जब देवी को देखा कि इतना इतना भव्य और इतना जो उनका ज्ञान टपक रहा था, तो वो तो अपनी बात को तो भूल गए और उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, गिव मी एनलाइटनमेंट, मुझे ज्ञान दो और मुझे आत्मा की अनुभूति कराओ, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन कराओ, और मैं कौन हूँ इसका मुझे परिचय कराओ। यानी उन्होंने देवी से ज्ञान मांगा। यही आज का विषय हमारा कि ज्ञान क्या है। तो देवी ने उनके जो है वो व्यवहार से और उनके जो है सुपात्र होने के कारण जो है देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको जो आशीर्वाद दिया, और विवेकानंद 36 वर्ष की उम्र तक ही जिए, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को वो दिया कि शताब्दियां तक वो अमर हो गए। 150 वर्ष तो हमने अभी उनके मनाई है और आने वाली शताब्दियों में वो हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। उन्होंने ये परीक्षण कर लिया था कि मैं कौन हूँ, अपनी वास्तविकता का पता चल गया था। तो यही आज का विषय है कि सबसे पहले पहचान करो कि मैं कौन हूँ, उसके लिए ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी क्या करता है? देखिए, ज्ञानी की क्या कृपा होती है, वो ज्ञानी जो हमारा राग द्वेष रूपी जहर है उस थैली को जो है शल्य चिकित्सा करके फेंक देता है, जहर की थैली को हमेशा हमेशा के लिए हटा देता है, और हमारे मन वचन काया की जो तीन बैटरी हैं अहंकार से चार्ज होती है, उसका चार्जिंग पॉइंट बंद हो जाता है, एब्सोल्यूट बंद हो जाता है। तो उस केस के अंदर हमारा डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, डिस्चार्ज, क्योंकि चार्ज अहंकार को गुरु ने जो है वो मृतवत कर दिया, भस्मीभूत कर दिया, इसीलिए हमारा चार्ज अहंकार नहीं रहा। और वो डिस्चार्ज अहंकार क्या है कि जन्म जन्मांतर तक हमने जो है 84 लाख जीवा योनियों के साथ में जो बुरा व्यवहार किया है, जो दोष किए हैं, जो उनको दुख दिया है, उनका सारा जो इकट्ठा हुआ हमारा कर्म शरीर, हमारा लिंग शरीर, हमारी कौजल बॉडी, 8 कर्म ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र और अंतराय पुण्य पाप, जितना भी इकट्ठा हुआ है वो एक बर्फ की शिला की तरह पिघला हुआ रहेगा, और धीरे 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 वो पिघलता रहेगा, और कुछ जो है वो भवों के अंदर नया हमारे कर्मों का बंधन नहीं होगा, और अगले भव में भी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में केवल डिस्चार्ज अहंकार रहेगा। और जो जीवात्मा है, जो अज्ञानी है, देखिए ज्ञान और ज्ञान दोनों विषय है, और जिसको कि आत्मस्वरूप नहीं हुआ है, वो मैं कौन हूँ उसकी जानकारी नहीं हुई है, तो वह जीवात्मा होता है। वो जीवात्मा हर बार जब नया शरीर धारण करता है, अपने कॉजेज डालने के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने राग द्वेष के कारण, तब जो है उसकी नई प्रतिष्ठित आत्मा बनती है, मतलब नया चार्ज कर्म होता रहे, नया जो है चार्ज अहंकार होता है। लेकिन जिसने ज्ञान ले लिया है उसकी प्रतिष्ठित आत्मा हर भव में वही रहेगी, जितने भी भव करेगा वो न्यूनतम भव करेगा, और उसके अंदर वो रहने के कारण जो है खाली डिस्चार्ज अहंकार हो गया, नया कर्मों का बंधन नहीं, और वो भुगतना जरूर है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो इसीलिए हमें व्यवहार शुद्धि का अर्थ यह है कि जन्म जन्मांतर से जो हम कर्मों का चिट्ठा साथ में लेकर के आए हैं, कर्म रज को, राग द्वेष को, कषाय को, क्रोध मान माया लोभ को, उसके एक एक परमाणु को हमें धोना होगा। धोने की भी विधि है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये चतुर्थ पुरुषार्थ जो है वो बताए गए हैं कि इनका उपयोग करके हम उन कर्मों को धो सकते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को। और दूसरा, जब हमको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान क्या हुआ कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। ज्ञानी हमको ज्ञान करवा देता है, भेद रेखा खींच देता है, शल्य चिकित्सा कर देता है, चीरा फाड़ा कर देता है कि लो ये तुम्हारी आत्मा और लो ये तुम्हारा शरीर।
तुम्हारी जो आत्मा है वो तो ज्ञाता है, वो तो दृष्टा है, और वो अक्रिया है, वो अरूपी है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, जो कि हमारा साध्य है और जो हमारा उद्देश्य है, उस अनंत सुख के धाम की प्राप्ति करने के लिए ही हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। और उसी लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा हुआ है कि हम अक्षय सुख की प्राप्ति करें, हम मुक्ति को जावें। वी शुड गो फॉर द सल्वेशन, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज एंड कैन हैव ए ब्लिस। वो ब्लिस है, हमारा अक्षय सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए ही ये सारा कार्य कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। मैं कौन हूँ, इसकी प्राप्ति इसीलिए करते हैं कि हमें अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी आत्मा तो निष्क्रिय है, वो कुछ भी नहीं करती, आत्मा की तो प्रेजेंस रहती है, आत्मा की प्रेजेंस से ये हाथ हिलता है, कराने वाला है वो राग द्वेष है और करने वाला ये शरीर है। इसलिए शरीर के लिए कहा गया है कि ये पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये करने वाला है, ये भुगतने वाला है, इसको भुगताता है अहंकार। और अहंकार जो डिस्चार्ज ज्ञान लेने के बाद रहा है, धीरे 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 भुगता करके बर्फ की शिला पूरी पिघल जाएगी, पूरा जो है बर्फ पिघल जाएगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा अहंकार। तो जीरो अहंकार को हम संपूर्ण निर्जरा कहते हैं। और धीरे धीरे डिस्चार्ज अहंकार से बर्फ की शिला पिघलती है, इसका मतलब निर्जरा हो रही है, झरन हो रहा है। झरना कैसे झरता है, और जो शहद की बूंद टपक करके कैसे झरती रहती है, उसी तरीके से ठीक हमारे शहद की तरह जो है आत्मा के साथ में कर्म शरीर, पूरी आत्मा पूरे शरीर के अंदर एक एक आत्म प्रदेश पर असंख्य असंख्य कर्मों के परमाणु हैं, और वो परमाणु शिथिल होकर के और झड़ते रहते हैं। वो झड़ते हैं हमारे जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से, हमारे अकर्ता भाव से, पांच आज्ञा में रहने से, संवर में रहने से, संभाव में रहने से, ज्ञान में रहने से। जब हम इस तरीके की बात का चिंतन करते हैं तो हमारा ज्ञान जो है व्यवस्थित रहता है और वह ज्ञान को काटता है। देखिए, तीन तरह की हमारी चेतना होती है। पहली चेतना का स्तर होता है वो हमारी जीवात्मा है, दूसरी हमारी अंतरात्मा है, और तीसरा परमात्मा है। परमात्मा हमारा लक्ष्य है। परमात्मा होने के बाद हम ब्लिस की प्राप्ति करते हैं, अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं, और ब्रिज है वो अंतरात्मा है। और जीवात्मा से हम अंतरात्मा ज्ञानी की कृपा किसे आते हैं, वीतराग विज्ञान से आते हैं, मोक्ष विज्ञान से आते हैं, अक्रम विज्ञान से आते हैं। हमें ऐसा ज्ञानी मिलना चाहिए जो कि शल्य चिकित्सा करके हमको सम्यक दर्शन दे दे। ये सम्यक दर्शन है, ये असली ज्ञान है, इसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है, इसको राइट विजन कहा जाता है। और जब ये मिल जाता है तो हमारे मोक्ष की नींव लग जाती है और हम अक्षय सुख की ओर बढ़ते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ज्ञान और अज्ञान का अंतर हमने जाना, तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए इस जीवन के अंदर किसी न किसी तरीके से अच्छे गुरु या अच्छे जो है वो एक ज्ञानी पुरुष को ढूंढ करके हमें ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति में गुरु की कृपा बहुत मुख्य होती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु का और मार्गदर्शन का होना जरूरी है, उसका अनुभव है, उसकी कृपा से मिलता है। हमें गुरु को ढूंढना, असली गुरु को ढूंढना है, ये हमारा लक्ष्य है, जो कि हमको जीवात्मा से अंतरात्मा बना दे। अब देखिए कि हम अंतरात्मा तो बन गए, लेकिन इसका शुद्धिकरण कैसे करें। जन्म जन्मांतर से जो है हमारे कर्मों का बंधन हमारे साथ के अंदर है, तो हम उन कर्मों के बंधन को कैसे तोड़े। तो हम एक प्रयोग करना चाहते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर कई कई जन्मों के अंदर 84 लाख जीवा योनि जो मात्र उत्पत्ति स्थान है, और वो जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, उनसे हम जो है क्षमा याचना करके उनसे एनओसी लेना है। ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण का काम है। वो एनओसी कैसे ली जाती है, मैं आपको एक प्रयोग कराना चाहता हूँ।
कि आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की इसी तरह सीधी, और दोनों हाथ जो है ये जो है ध्यान मुद्रा के अंदर रखते हुए मैं बोलता जाऊंगा, आप चिंतन करते जाइए। आप 84 लाख जीवा योनियों का आह्वान कीजिए, हम पितरों का आह्वान करते हैं। जैसे 84 लाख जीवा योनि की अव्ययबाद आत्मा है, अव्ययबाद आत्मा वह होती है जिसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती है, और हमारी बात अव्ययबाद आत्मा तक बिना अवरोध के उनके तक पहुंच जाती, किसी तार की किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो हमने 84 लाख जीवा योनि को आह्वान किया, वो सब हाजिर हो गई हैं शुद्ध आत्मा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, और एक बच्चे की तरह हृदय खोल कर से उनसे मैं प्रतिक्रमण करता हूँ कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत आप में से किसी का मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से आपको किंचित मात्र भी मेरा द्वारा दुख हुआ है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सबसे पहले मैं आपको क्षमा करता हूँ। आप समस्त जो है वो अव्ययबाद आत्माओं को मैं जो है एनओसी देता हूँ, मैं मेरी तरफ से मुक्त करता हूँ, मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं है, और आप मुझे सब एनओसी दो, आप मेरा हिसाब क्लियर करो, क्योंकि मैंने शुद्ध अंतःकरण से आपसे क्षमा याचना कर ली, शुद्धिकरण किया, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण का मोघ मंत्र है। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, एनओसी दो। एक भी कि एनओसी आप में से बाकी रह गई तो मैं मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और मुझे मुक्ति जाना है, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में शीघ्र जो है उपस्थित होकर के वहाँ जन्म लेकर के और 2-3 भाव में मुक्ति को प्राप्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, एनओसी दो। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से अपना प्रतिक्रमण करके जब हम अतिक्रमण हो जाता है, यानी हम किसी को दुख दे देते हैं, किसी को कष्ट दे देते हैं, तो पाप की परिभाषा में आता है, वो दोष की परिभाषा में आता है, और उसका शुद्धिकरण जरूरी है। उसको हटाने का नाम ही जो है हमारा, वो हमारे भीतर विराजमान है, उसका नाम जो है आश्रव है। और हमने ज्ञान लिया तो आश्रव का मतलब है संवर की प्राप्ति हो गई। संवर क्या? हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है, संवर हमारी प्रज्ञा है, संवर हमारा संयम है, और संवर जो है हमारा जो है संभाव है। इस स्थिति में हम रहते हैं तो संवर की स्थिति होती है, और संवर की स्थिति में ज्ञाता दृष्टा भाव, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से राग द्वेष रहित होकर के, क्योंकि कर्मों का बंधन जो करवाता है वो राग द्वेष करवाता है, और ज्ञाता दृष्टा भाव में राग द्वेष नहीं है, वहाँ संभाव है, और वहाँ समता की साधना है। तो जब समता की साधना एक प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में कारमण शरीर के ऊपर जाकर के खड़ी होती है, प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में, शुभ भावों के रूप में, तो कर्मों का निर्झरण तुरंत चालू हो जाता है, और जो हमारा कर्म शरीर में टर्बुलेंस पैदा हो जाती है, और जिस तरीके से हम दूध गर्म करते हैं और दूध के परमाणु ऊपर उठते हैं और वो धीरे धीरे जगह छोड़ करके गर्म होते हैं, ठीक उसी तरीके से टर्बुलेंस होने के कारण जो है वो शिथिल होकर के कर्म और उनका झरण चालू होता है, जिसको निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो ही धर्म बताए हैं, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर जो है हमारा तप है, ये त्याग है संवर, और निर्जरा उसका परिणाम है। जहाँ जहाँ संवर होगा, जहाँ जहाँ तप होगा, वहाँ निश्चित रूप से निर्जरा होगी, निर्जरा परिणाम है। तो इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो परिणाम तो स्वतः ही हो जाएगा। हमारा पुरुषार्थ है संवर में रहना, हमारा पुरुषार्थ है कि जो हमें प्रत्याख्यान करना, त्याग करना। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान क्या है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राण, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर जो है जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के जो है वो मैं जो है वो निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको किसी को दुख न दूं, उनके प्रति बुरा विचार न लाऊं और उनके दोष न देखूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो। ये शक्ति जागृति हमारे भीतर जो अव्ययबाद शुद्ध आत्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है। देखिए ये 3 आत्मा के स्तर है, लेकिन इसका स्वरूप है वो मुक्त आत्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, वो मुक्ति का स्वरूप है। और ये भीतर तो एक जेल की तरह बंधा हुआ है,
ये मुक्त होना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य भी इसको मुक्त कराना है, ताकि कि ये शरीर जो है हमें सुख दुख की अनुभूति कराता है, और ये जब तक हमारा व्यवहार जगत है, जब तक हमारा शरीर है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, लेकिन हमको झूलना नहीं है, हमको तो अक्षय सुख चाहिए। अक्षय सुख आत्मा में है, अक्षय सुख बाहर नहीं है, अक्षय सुख आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव में है, और ये अक्षय सुख है वो आत्मा का गुण है, ये आत्मा का लक्षण है, वो हमें प्राप्ति करनी है। तो भाई और बहनों, आज जो हमारा जो अज्ञान और ज्ञान का विषय अब हमें क्लियर हुआ, तो इस एपिसोड को जो है आज हम कसौटी पर कसें, तो हम पाएंगे कि व्यक्ति मैं कौन हूँ अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेता है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, अपने आप को बहुत कम जानता है। व्यक्ति दुनिया को जो है अपनी गत से नापता है और अपने को दूसरों की गत से नापता है तो भूल हो जाती है। यही भूल ही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है, यही कर्म बंधन का कारण है। वह जो है ये सोचने लग जाता है कि ये सारा जो कुछ भी करने वाला हूँ वो मैं हूँ, मैंने जो पुस्तकें लिखी, मैं विद्वान बना, मैंने धर्म कमाया, मैंने बंगले का निर्माण किया, मैंने फैक्ट्री का निर्माण किया, और मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, मैं और मेरा का जहाँ पर अस्तित्व रहता है, जहाँ पर ये अहंकार रहता है, वह अज्ञान है। और वही जो है वह हमारा जो है स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता, और यही अज्ञान है। और स्वरूप का ज्ञान क्या है कि मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो ये संजोग हूँ, मैं तो एक संजोग हूँ, और कर्ता जो है संपूर्ण रूप से कर्ता व्यवस्थित शक्ति है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और वो छह एलिमेंट से बना हुआ, कौन कौन से, एनिमेट इन एनिमेट, और दूसरा टाइम स्पेस एंड स्काई। तो ये जो छह एलिमेंट्स हैं इसे सारी सृष्टि बनती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये कार्य हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है बराबर देख रहे हो, देखते रहिए, आपको जीवन की नई सृष्टि मिलेगी, जीवन की नई दृष्टि मिलेगी, जीवन की नई दिशा मिलेगी, आपका जीवन धन्य होगा, और आप सोचने लग जाएंगे कि मैं कौन हूँ, और अपने जीवन का निर्माण करेंगे, जीवन का आपको लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि सही सोच। क्या है आध्यात्म? दर्शन
चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो चिंतन धारा गलत दिशा में जा रही है, आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको हम सकारात्मक बदलने के लिए आए हैं। तभी हमने ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि लोक कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और हर प्राणी को अपने जीवन की सही दिशा मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और उस दुर्लभ जीवन की सार्थकता के लिए ही ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, जिसके केंद्र में आत्मा है। जिसके केंद्र में आत्मा होती है वो सब काम ऑटोमेटिकली प्रमाणिक होता है, हर बात प्रमाणिक, क्योंकि वो अनुभव गम्य हो जाती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह है परिणाम और पुरुषार्थ। भाइयों बहनों, दोनों टर्म्स जो है ना, बहुत ही सुंदर टर्म्स है। इससे पूरा धर्म का अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है और आत्मनिरीक्षण होता है। और भारतीय संस्कृति की सारा जो निचोड़ है वो परिणाम और पुरुषार्थ के अंदर आ जाता है। तो हम एक एक चीज़ को देखते हैं। पहले हम परिणाम को लेते हैं। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। हम कोई भी क्वेश्चन पेपर, परीक्षा के दिनों में क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं, उसके अंदर 10 या 8 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे तक हम हैं उन प्रश्नों का उत्तर बराबर देते हैं, वापस रीचेक करते हैं और वह क्वेश्चन और वो हमारी उत्तर पुस्तिका है 3 घंटे के बाद में वो सील कर दी जाती है, एग्जामिनर के पास में भेजी जाती है। एग्जामिनर उसके ऊपर जो है मार्किंग करता है, वो मार्क्स देता है कि 100 में से 60 मिले, 70 मिले, 80 मिले, और उसी के अनुसार उसको मेरिट मिलती है, उसी के अनुसार उसकी पोजिशन मिलती है, उसी के अनुसार उसका एडमिशन होता है। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे डॉक्टर का एग्जामिनेशन हो, चाहे इंजीनियर का हो, सभी जो है वो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से किया जाता है और वो रिजल्ट से उसका मूल्यांकन होता है। उस रिजल्ट का नाम ही परिणाम है। तो देखिए, मैं परिणाम को जो है अब दूसरे रूप में आपसे प्रस्तुत करता हूँ कि मनुष्य जो है, जैसे इस जीवन के अंदर जो है मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ वह एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, यानी किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा, कहाँ कहाँ जो है मेरे राग द्वेष होते हैं, कहाँ भूलें होती है, कहाँ प्रतिक्रमण नहीं हुआ, कहाँ शुद्धिकरण नहीं हुआ, कहाँ पर अहंकार आ गया, ये सारा जैसा जैसा व्यवहार है ये सारा उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के कहा जाता है। पूरा जीवन है ये क्वेश्चन पेपर का जो है वो सॉल्यूशन है, परीक्षा देना है, ये जीवन की परीक्षा है। तो जीवन की जब परीक्षा दे देते हैं तो हमारा जब अंतिम समय आता है तब जो है हमारी मृत्यु हो जाती है। ये जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है ये जीवन कहलाता है, और ये जीवन एक परीक्षा का रूप होता है, और ये परीक्षा के दौर से गुजरता है सारा कि किस किस तरीके का हमने लोगों के साथ में क्या क्या व्यवहार किया, उनको क्या सुख दिया, उनको क्या दुख दिया, और किससे जो है हमने राग द्वेष किया, और किससे किससे हमने क्षमा याचना नहीं की, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रायश्चित प्रतिक्रमण, आलोचना वगैरह और प्रत्याख्यान नहीं किया, ये सारा है। अब देखिए, व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई तो इस पूरे पीरियड के अंदर जितने जितने उसके भाव रहे, उस भाव के अनुरूप जो है उसने कॉजेज डाले, और कॉजेज डाल के उसने कर्म बीज डाले, वो कर्म बीज जो है जो भाव डाले थे
वो नेक्स्ट जन्म के अंदर जाकर के और वो द्रव्य कर्म रूप में हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से मनुष्य भाव से मृत्यु होकर के किसी व्यक्ति ने पुनः मनुष्य भाव प्राप्त किया, तो यहाँ पे जैसे जैसे भाव डाले हैं उन भाव के अनुरूप जो है उसको जो नेक्स्ट जन्म के अंदर जो जैसा उसने जो है परीक्षा दी जीवन के अंदर, तो नेक्स्ट जीवन के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को हम द्रव्य कर्म कहते हैं, उस रिजल्ट को हम परिणाम कहते हैं। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन जो है हमारा जन्म से सब नियत लेकर के आते हैं। हम पूर्व जन्म के अंदर ये सारे हमारे कॉजेज होते हैं उस चीज़ को फिक्स कर देते हैं, नियत कर देते हैं। आठ कर्मों के बंधन का जो है वो पूरा बंधन हो जाता है और जन्म लेने के साथ के अंदर वो हमारा प्रारब्ध होता है, वो हमारा उदय भाव होता है, वो हमारा परिणाम काल होता है। और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा आयुष्य क्रम तय हो जाता है कि क्या कौन से पिता मिलेंगे, कौन सी माता मिलेगी, किस जन्म में किस समय में जो है माँ की कौन सी माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, सब नियत हो जाता है पहले, तब हम जन्म लेते हैं। और जन्म के पहले दिन से ही हमारे कौन भाई होंगे, बहन होंगे, क्या जाति होगी, क्या नाम होगा, नामकरण वगैरह सारी प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम जो है बच्चे होते हैं, माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, उसके बाद में किशोर हो जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, और युवा होने के बाद प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ होते हैं बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होकर के पुनः हमारा जीवन जो है समाप्त हो जाता है, यानी हमारा पूरा परिणाम जो भुगतान है समाप्त हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जन्म से मृत्यु तक जो इस जन्म के अंदर पिछले जन्म में हम जो जैसा क्वेश्चन पेपर डाल के आए हैं उसका ये रिजल्ट है, उसका ये परिणाम है। तो परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ नहीं है। सबसे बड़ी भूल क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि हम तो परिणाम तो लेकर के आए हैं, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं डॉक्टर बन जावे, तो डॉक्टर हम कभी नहीं बनेंगे, हर बार फेल होंगे। चाहे आप 10 बार परीक्षा दे दो, चाहे 50 बार परीक्षा दे दो, और वो समझता है कि मेरा ये पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि आप तो नियत करके आए हो, आप तो फिक्स करके आए हो, वही आपको मिलना है। तो अब प्रश्न ये है, ये सारा जीवन का जितना भी चल रहा है, ये जो शरीर मिला है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। मन वचन काया के द्वारा सारा भुगतान होता है और पूरे जीवन के अंदर जो हमारा 60-70-80 वर्ष का जीवन है उसकी 80 वर्ष की फिल्म चलती है। जैसे कि हम थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है, उस फिल्म के अंदर हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलेन होता है, हीरो हीरोइन के बीच में लव होता है, हीरोइन और को जो उठा के ले जाता है, विलेन लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, फिर जो है उसको वापस अपनी हीरोइन को प्राप्त करता है। ये फिल्म चलती है, फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे नाजुक दौर आ जाते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब के आँखों में आंसू आ जाते हैं, और हमारे जब विलियन जो है को जो है मारने लग जाता है हीरो, तब हम भी कहने लग जाते हैं मार मार और मार। ये सारा जुड़ना हो गया। ये हम जितना जुड़ते हैं फिल्म के साथ में, हम जो है राग द्वेष पैदा करते हैं, और ये राग द्वेष का पैदा होना नए कॉज डालना है, नए कर्मों का बीज बोना है, और यही बीज जब इस जन्म में बोया जाता है तो अगले जन्म में जाकर के ये कर्म फल और कर्म परिणाम जो मेरा आज का विषय है, कर्म परिणाम मिलता है, उस कर्म परिणाम के अनुरूप हमें सुख दुख की उसकी निष्पत्ति क्या है, हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। कभी हमको सुख मिल जाता है, कभी दुख मिलता है। सुख दुख कैसे मिलता है हमें आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी समय हमें, हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन में हमारा धंधा अच्छा चला तो 1 लाख रुपए का हमको लाभ हो गया, और थोड़े दिनों के बाद में धंधा जो है गिरावट आ गई तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जब लाभ हुआ तो हम फूल जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, और हमको नुकसान हुआ तो नुकसान होने पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम चिंता में चले जाते हैं, हम दुख की अनुभूति करते हैं। तो लेकिन ये सारा परिणाम चलता रहता है, ये सुख दुख की अनुभूति है, ये 2 पलड़ों पे जो झूलना है ये झूलता रहेगा, ये अपना परिणाम देता है, ये रिजल्ट देता है। जैसा क्वेश्चन पेपर पूर्व जन्म में सॉल्व किया है उसका सारा ये परिणाम है। उस परिणाम की आप चिंता मत करो, उसके साथ मत जुड़ो,
उसके साथ में अलग रहो। अब पुरुषार्थ क्या है, देखिए कि ज्ञानी पुरुष जो है हमको जब ज्ञान दे देते हैं तो हमको पुरुष बना देते हैं। जब हम जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं तो हम पुरुष बन जाते हैं। और ज्ञानी पुरुष कहता है मैंने तेरे को पुरुष बना दिया, अब तुम पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ करके तुम अपने साध्य की प्राप्ति कर, तुम परमात्मा बन जा, सब कर्मों से मुक्त हो जा, सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के तुम मुक्ति को प्राप्त हो जा, ईश्वर बन जा, भगवान बन जा। तो ये हमको ज्ञानी आशीर्वाद दे देते हैं। तो अब वो हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है कि अलग अलग रहो, ये ज्ञान करो कि ये जो शरीर है ये तो परिणाम भुगतने वाला है, ये तो करने वाला है, और इसको कराने वाला इसके भीतर जो कषाय बैठा है, प्रतिष्ठित आत्मा है जो कि पिछले जन्म से साथ में चल रही है, जो उसका उदय भाव है और जो उसका जो प्रारब्ध है वो कराने वाला है, और ये करने वाला मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अक्रिया हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो अमूर्त हूँ और मैं तो आनंद का खजाना हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत किरण हूँ, मैं मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, मैं जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, और मैं तो आनंद के साथ में, आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ, और मैं तो आनंद का जीवन जी रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ जानता हूँ, देखता हूँ। क्या जानता हूँ, देखता हूँ कि ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी पुतला है, ये क्या कर रहा है, इसको ज्ञान दिया है इसको ज्ञानी ने, ये भटकता है तो मैं मेरी प्रतिनिधि प्रज्ञा को भेजता हूँ, तो प्रज्ञा उसकी बुद्धि को जाकर के जो है वो बुद्धि को जाकर के आदेश देती है, बुद्धि तो सुबुद्धि से कुबुद्धि बन जा। तो जब कुबुद्धि से सुबुद्धि बन जा, उसके आदेश के साथ में वह भी सुबुद्धि बनती है कि मैं तो ज्ञान लेने, वो ज्ञान हाजिर हो जाता है। प्रज्ञा जो है का कार्य होता है ज्ञान को हाजिर करना। तो ज्ञान को हाजिर करने से ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव आते ही अब संवर की स्थिति में आ जाते हैं, पांच आज्ञा की स्थिति में आ जाते हैं। और जब जब संवर की स्थिति आती है तो हमारे कर्मों का निर्झरण, जो हमारा जो है बर्फ रूपी शिला की तरह जो है वो हमारे डिस्चार्ज कर्म है, वो पिघलते रहते हैं और वो निर्झरण हो जाता है, और वो उसके साथ में हमें संभाव की साधना मिल जाती है। हमारा जीवन का जो है साधना का कार्य संभाव है, संवर है, इसके माध्यम से जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं। और भगवान ने भी दो तरह के धर्म बताए, एक तो जो है संवर धर्म और दूसरा निर्जर धर्म। निर्जरा निर्जरा परिणाम है, जहाँ जहाँ संवर होगा वह निर्जरा अवश्य ही होगी। संवर का मतलब होता प्रत्याख्यान, त्याग, कोई चीज़ को छोड़ना। क्या छोड़ना, कि उसके लिए चिंतन करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं 84 लाख जीवायों के प्राणियों किसी को भी प्राप्त मन वचन का ऐसे दुख न दूं, किसी के प्रति बुरा भाव न लाऊं, और किसी के दोष न देखूं। किसी के दोष न देखना ये सबसे बड़ा संभाव है, किसी को दुख न देना ये बड़ा संवर है। संवर एक तप है, और निर्जरा जो है वो उसका परिणाम है। तो हमें जो है वो ये करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए संवर और निर्जरा के द्वारा। संवर साधना है और निर्जरा उसका तप है, और तप के द्वारा जो है निर्जरा के 12 भेद भी है। तो सभी चीज़ें हम इस बात की ओर इंगित करती है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन जो हमारा घटित हो रहा है, जो हमारा जीवन के साथ चल रहा है, अगर हमने जीवन के अंदर हमारा जो चारित्र मोहनीय कर्म का शोभसम है, तो उसके उदय काल से जो है हमको साधु जीवन मिलेगा, हम जो है तपस्या करने लग जाएंगे, हम स्वाध्याय करने लग जाएंगे। निर्जरा के 12 भेद बताए गए, 6 जो भेद है वो बाह्य भेद है और 6 आंतरिक भेद है, ये हम करने लग जाएंगे, और ये सब हमारा परिणाम है। वो क्या क्या है कि पहला तो बाह्य जो 6 तरह के जो है हमारे जो तप के तप है उसका हम थोड़ा विवेचन करते हैं। वो है कि सबसे पहला जो है हमारा अनसन,
अनशन का अर्थ हो गया कि उपवास, एक दिन, दो दिन, चार दिन, और जो 15 दिन 20 दिन और 6 महीने तक ये सारा जो उपवास करने का क्रम होता है अनशन और उनोदरी का। ये अनशन जो है तप है, अनशन है एक संवर है, और उसके साथ साथ में जब तप होता है, संवर होता है, तो निर्जरा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये निर्जरा के 12 भेद है, ये हमारे तप के 12 भेद है, ये हमारे झरण होने के 12 भेद, कर्मों के झरण के 12 भेद है। अनशन उनोदरी, उनोदरी का अर्थ होता है कि जितने हमारी भूख है उससे कम लेना चाहिए, क्योंकि भूख से कम खाने से हमारे पेट का संतुलन हो जाता है। पेट के 4 भाग करो, 2 भाग के अंदर ठोस जो भोजन डाला जाए और 1 भाग के अंदर पानी रखा जाए और 1 भाग गैस के लिए छोड़ दिया जाए। कई बार हम बहुत ज़्यादा टाइट और गरिष्ठ भोजन कर देते हैं और गैस के लिए जो है हमको गैस के लिए हम जगह नहीं होती है, तो व्यक्ति तड़पता रहता है और व्यक्ति को जो है उफान आता है और आफरा चढ़ता है और व्यक्ति सोता रहता है, व्यक्ति में नकारात्मक भाव आते हैं। इसका बड़ा सीधा संबंध है हमारा राग द्वेष है। नकारात्मक भाव क्या है? नकारात्मक भाव राग द्वेष है, यानी हमने अगर संयम नहीं रखा, उनोदरी नहीं की, भोजन को संतुलित नहीं रखा, हित मित रित का ध्यान नहीं रखा, इसका सीधा असर जो है हमारे नकारात्मक भाव से, दोष करने से हो जाता है, पाप से हो जाता है, और वो आशय पैदा करता है। ये सब बुराइयां एक तरफ जुड़ी हुई है, और बुराइयों का हम प्रतिरोधात्मक शक्ति देते हैं, बुराइयों का जो है हम सामना करते हैं, बुराइयों के जन्म अच्छाइयों का अंकुरण करते हैं, अच्छाइयों का जो है हम खड़ा कर देते हैं सामने, तो बुराइयां दब जाती है, बुराइयां दबते ही फिर संवर हो जाता है, और संवर के बाद ये तप हो जाता है। तो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी, भिक्षाचरी क्या होती है कि हमारे सामने 50 तरह के द्रव्य पड़े हैं, लेकिन हमारा अगर नियम ये है, हमारा त्याग पचकान किया होता है कि 5 द्रव से ज़्यादा नहीं लेना, तो हम 45 द्रव्य को छोड़ देते हैं। उसी तरीके से उनोदरी जो है हमारी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और हमारी जितने भी आवश्यकताएं, हर एक की उनोदरी हो सकती है कि मैं 5 इच्छा परिमाण, उनोदरी का मतलब इच्छा परिमाण हम करते हैं, 5 से ज़्यादा हम जो है वो वस्त्रों का ड्रेस नहीं रखेंगे, हर चीज़ की हम सीमा करेंगे जो हमारे दैनिक उपयोग में आती है, उपभोग में आती है, भोग उपभोग में आती है, तो वो सारा ये अनशन उनोदरी भिक्षाचरी और रस परित्याग। ये जितने भी तरह के 6 रस होते हैं, कौन कौन से 6 रस होते हैं कि जो है वो हमारे रस होते हैं, जैसे कि हमारा दूध, दही, घी और जो है अपना कढ़ाई विगह और हमारा शहद है, ये सारे 6 विगह है, ये हमारे भीतर मादकता पैदा करते हैं। तो इनको जो है इनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए भिक्षा रस परित्याग किया जाता है। रस परित्याग क्या ये भी है, प्रतिसंलीनता भी रस पर, आगे हम चलते हैं, रस परित्याग काय क्लेश। काय क्लेश क्या होता है? हम शरीर को साधते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, जो इंद्रियां बाहर की तरफ भटक रही है, उन बाहर की तरफ भटकती हुई इंद्रियों को हम भीतर की ओर उसका रास्ता मोड़ देते हैं, तो भीतर की ओर रहने से इंद्रियां संयमित रहती है, इंद्रियां अंकुश में रहती है, और वह कोई भी राग द्वेष पैदा नहीं करती है, और मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर नहीं रहती, आत्मरंजन में आ जाती है। तो ये अनशनोदरी भिक्षा रस प्रत्याग काय क्लेश प्रतिसंलीनता, हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही है, बाहर इंद्रियां हमको भटकाती है, नए नए रूप देती देखती है, उस पर राग द्वेष करती है, स्पर्शन करती है, रसन करती है, ग्रहण करती है, अच्छा रस देख करके उस पर लुब्ध हो जाती है और वो राग द्वेष पैदा करती है। तो ये सारा जो है इंद्रियों को जो है बाहर से भीतर की ओर खींचना है, प्रतिसंलीनता है। तो ये तो हो गए हमारे तप के जो है या हमारी साधना के जो है वो 12 अंग हो गए, ये हमारे जो तप भी कहलाता है, निर्जरा भी के भी भेद कहलाते हैं। अब भीतर के अब 6 भेदों की ये मैं सारी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ, ये जो हमको ये परिणाम मिलते हैं और पुरुषार्थ ये होता है कि हम उसको संभाव में रहें और ये हम कर सकें, ये हमारा पुरुषार्थ हो सकता है। तो भीतर हमारा क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब भीतर के जो तप के 12 भेद क्या है कि प्रायश्चित का मतलब हमने अतिक्रमण किया, हमने किसी को कष्ट दिया, हमने किसी को दुख दिया, उसे क्षमा याचना करना,
प्रत्यक्ष रूप से करना, अप्रत्यक्ष रूप से करना, उसकी शुद्ध आत्मा से करना, ये सारा प्रायश्चित है। और विनय का मतलब होता है हम हर प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करें। हर प्राणी जीना चाहता है, हम किसी को कष्ट न दें, किसी के प्रति बुरा भाव न लाएं, किसी को दुख न दें, किसी को दोषित न देखें। ये सारा जो है हमारा विनय है, प्रायश्चित विनय। वैयाव्रत्य, वैयाव्रत का मतलब होता है हम ग्लानी जो है, साधु है, सन्यासी है, ज्ञानी पुरुष है, हमारे माता पिता है, उनकी हम जो है वैयाव्रत करें, सेवा से जुड़ा हुआ है। सेवा जो है बहुत बड़ा धर्म है, ये करना चाहिए। सेवा से हमारा जो ऋण है वह समाज का ऋण उतरता है। गुरु का, गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु का ऋण उतरता है, माता पिता की सेवा करते हैं तो ये हमारे समाज का, माता पिता का ऋण उतरता है। तो ये मैं किया जाना चाहिए, भैया भैया व्रत, प्रायश्चित विनय, भैया व्रत, स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, खुद को जानना, मैं कौन हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अक्रिया हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो जो है ये जो है वो परिणाम चल रहा है सोन राज के मन वचन काया का, जो जो उदय भाव चल रहा है उसको मात्र देखने वाला हूँ और उसको ज्ञान दिया हुआ है, तो मैं उसको जो है ये सुझाने आया हूँ, तुम इसके साथ मत जुड़ो, नए कर्म का बंधन मत करो, और तुम्हारे डिस्चार्ज कर्म है वो तो पिघल ही रहे। तो ये हो गया प्रायश्चित विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना, अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करना, ज्ञाता दृष्टा का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, आत्मा के अंदर जो है वो विलीन हो जाना, कि आत्मा जो है का मूल्यांकन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मा के साम्राज्य को समझना, उसका साम्राज्य क्या है, उसके भीतर क्या चल रहा है, ये सारा ध्यान की स्थिति। तो इस तरीके से हमने जो है ये तप के 12 भेद बताए। तप के द्वारा झरण होता है, आत्मा का कर्मों का जो है बंधन झड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये संवर और संभाव हो गया, ये हमें बढ़ाते रहना चाहिए। तो हमारा जो आज का विषय है उसको हम कसौटी पर कसते हैं कि परिणाम और जो उसके बाद के अंदर पुरुषार्थ दोनों अलग अलग है, और जो है वो पुरुषार्थ आज हम करते हैं उसके रिजल्ट हमको आने वाले समय के अंदर मिलेगा, और वही हमारा परिणाम आज का पुरुषार्थ है, आने वाले कल का परिणाम मिलेगा। आज का पुरुषार्थ है, आने वाले कल का भाग्य मिलेगा, और आज जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारा पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है, पूर्व जन्म का जो है हमारा भाग्य है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप देखते रहिए, और आपकी कोई भी जिज्ञासा हमको मिल रही है और हमारे पर्दे के ऊपर जो ईमेल लिखा हुआ है और वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है, उस पर अपना आपकी कोई भी जिज्ञासा हमको भेज सकते हो, उसका जिज्ञासा का समाधान हम आत्मविज्ञान के कानून कायदे के अनुसार देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सनातन सत्य की प्राप्ति कराना, आपको कुदरत का कानून बताना, आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताना, आपको वास्तविक जीवन क्या है उसके बारे में जानकारी करना। तो आपका जीवन मंगल